नमस्कार दोस्तों, हम आपको मटेरियल फाइनर धेन 75 माइक्रोन टेस्ट सही तरीके से परफॉर्म करके दिखाएंगे। क्रश्ड सैंड पर हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर एग्रीगेट्स पर भी ये टेस्ट कैसे किया जाता है वह भी बताएंगे। ये टेस्ट क्यों किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आईएस कोड के अनुसार इसके लिमिट्स क्या होते हैं, ये सब बातें हम डिटेल में समझाएंगे। ये सब जानकारी न सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए जरूरी है बल्कि इंटरव्यूज में भी आपके काम आ सकती हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का मटेरियल फाइनर देन 75 माइक्रोन टेस्ट। टेस्ट सैंपल को पहले कॉन्स्टेंट वेट तक ओवन में ड्राई करना है एट टेम्परेचर ऑफ 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर उसे नियरेस्ट 0.1% तक वेट किया जाएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट्स पा सकें। ड्राइंग प्रोसेस से इंश्योर होता है कि सैंपल में कोई भी मॉइस्चर नहीं है जो टेस्ट रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। जब सैंपल कंप्लीटली ड्राई हो जाए तभी हम उसे वेट करेंगे और आगे के टेस्ट्स परफॉर्म करेंगे। सैंपल अब पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, इसे ओवन से निकालकर थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब सैंपल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसका 500 ग्राम वेट कर लें। टेस्ट सैंपल को ड्राई और वेट करने के बाद उसे कंटेनर में रखा जाएगा और पर्याप्त पानी डाला जाएगा ताकि वह पूरी तरह से कवर हो जाए। कंटेनर के कंटेंट्स को जोरदार तरीके से हिलाया जाएगा। यह प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सैंपल में मौजूद फाइन पार्टिकल्स पूरी तरह से पानी में घुल जाएं। जब आप कंटेनर को अच्छी तरह से हिलाते हैं तो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी फाइन पार्टिकल्स नीचे नहीं रह जाएं और सब पानी में सस्पेंड हो जाएं। दोस्तों, सैंपल को अच्छे तरह से वॉश कर लेना है ताकि सिल्ट पूरे तरह से एग्रीगेट्स से अलग हो जाए। इस तरह से सैंपल को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब इस पानी में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हैं। वॉश करने के तुरंत बाद पानी को सीव्स में डाल देना है। 1.18 मिलीमीटर की सीव को ऊपर लगाना है और उसके नीचे 75 माइक्रोन की सीव को लगा देना है। इस अरेंजमेंट में हमें वॉश किया पानी और मटेरियल को डाल देना है। ध्यान रखना है कि सभी मटेरियल सीव्स में ट्रांसफर हो जाए, मटेरियल सीव की ऊपर की तरफ से बाहर न जाए। दोस्तों, मटेरियल फाइनर दैन 75 माइक्रोन टेस्ट की टेस्ट प्रोसीजर आईएस कोड 2386 पार्ट 1 में दी गई है। हम उसी मेथड से टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और टेस्ट रिजल्ट की लिमिट्स आईएस कोड 383 कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट स्पेसिफिकेशन में मेंशन की गई है। अक्सर इंटरव्यू में आईएस कोड्स और टेस्ट लिमिट्स पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें याद कर लो और वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। सैंपल को तब तक वॉश करना है जब तक सीव के नीचे जो पानी आ रहा है वह क्लीन ना हो जाए। जब तक सीव के ऊपर और नीचे क्लीन वाटर नहीं दिखता सैंपल को वॉश करते रहना है। क्लीन वाटर जब आएगा तो समझ लेना है कि पूरा सिल्ट वॉश हो चुका है। 1.18 सीव पर रिटेंड मटेरियल अच्छे तरह से वॉश हो चुका है। इस मटेरियल को ट्रे में ट्रांसफर कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि सारा मटेरियल जो रिटेंड है वह ट्रे में आ जाए। एक्स्ट्रा पानी को ध्यान से फेंक दो और ध्यान रखना है कि सैंपल पानी के साथ बह न जाए। अब जो सैंपल 75 माइक्रोन पर रिटेंड है उसे अच्छे से वॉश कर लो जैसे पहले वाली सीव में किया था। तब तक वॉश करना है जब तक सीव के ऊपर और नीचे साफ पानी नजर ना आए, यानी सारा सिल्ट वॉश होने तक वॉश करते रहना है।
दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि साफ पानी नजर आ रहा है, इस मटेरियल को भी ध्यान से ट्रे में ट्रांसफर कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि सारा मटेरियल जो सिव में है वह ट्रे में ट्रांसफर हो जाए। अतिरिक्त पानी को फेंक दो, पर ध्यान रहे कि कोई भी मटेरियल पानी के साथ नहीं जाना चाहिए। आप फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। वॉश किए गए एग्रीगेट्स को कांस्टेंट वेट आने तक ओवन में ड्राई कर लो। 24 आवर्स ओवन में रखा तो बेहतर रहेगा। ओवन का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सैंपल को ओवन में रखे 24 घंटे हो चुके हैं। सैंपल को बाहर निकाल लेते हैं। मटेरियल पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। इसका वजन कर लेते हैं। ओवन ड्राई वेट वॉशिंग के बाद आया है 466.4 ग्राम। आगे कैलकुलेशन कैसे करना है समझ लेते हैं। IS-2386 पेज नंबर 11 पर फॉर्मूला दिया गया है कि मटेरियल फाइनर देन 75 माइक्रोन इक्वल्स ओरिजिनल ड्राई वेट माइनस ड्राई वेट आफ्टर वॉशिंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ड्राई वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट परसेंटेज में होगा। हमारे केस में ओरिजिनल ड्राई वेट 500 ग्राम है और ड्राई वेट आफ्टर वॉशिंग 466.4 ग्राम है। तो इसे फॉर्मूले में डालकर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है और बाद में कंक्लूजन पर चर्चा करते हैं। कैलकुलेट करने पर रिजल्ट आया है 6.72%। IS-383 टेबल 2 पॉइंट नंबर 3 में अलग अलग एग्रीगेट्स के लिए पासिंग लिमिट्स दिए गए हैं। फाइन एग्रीगेट्स में अनक्रश्ड सैंड के लिए मैक्सिमम 3% दिया गया है, क्रश्ड सैंड के लिए मैक्सिमम 15% दिया गया है, मिक्स्ड सैंड के लिए मैक्सिमम 12% लिमिट है और मैन्युफैक्चर्ड सैंड के लिए मैक्सिमम 10% है। सभी प्रकार के कोर्स एग्रीगेट्स के लिए मैक्सिमम 1% की लिमिट दी गई है। आज हमने क्रश्ड सैंड पर टेस्ट किया है जिसका रिजल्ट 6.72% आया है, जो 15% से कम है। यानी हम इस सैंड को कंक्रीट के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में फाइन एग्रीगेट यानी 4.75 मिलीमीटर से कम साइज की एग्रीगेट पर टेस्ट किया है, इसलिए हमने 500 ग्राम का सैंपल लिया था। 10 मिलीमीटर साइज की एग्रीगेट की टेस्ट के लिए आपको 2000 ग्राम का सैंपल लेना है। 20 मिलीमीटर साइज की एग्रीगेट्स की टेस्ट के लिए आपको 2500 ग्राम का सैंपल लेना है और 40 मिलीमीटर या उससे ऊपर की साइज की एग्रीगेट्स के लिए आपको 5000 ग्राम का सैंपल लेना है। इसी टेस्ट प्रोसीजर से आप कोर्स एग्रीगेट का मटेरियल फाइनर देन 75 माइक्रोन टेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये टेस्ट क्यों की जाती है। मटेरियल फाइनर देन 75 माइक्रोन कंक्रीट की वर्कबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक्सेसिव फाइन मटेरियल से वाटर डिमांड बढ़ जाती है और कंक्रीट मिक्स के फ्लोएबिलिटी और हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर असर पड़ता है। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पर भी फाइन मटेरियल का अमाउंट इफेक्ट डालता है। प्रॉपर ग्रेडिंग से एग्रीगेट पार्टिकल्स इफेक्टिवली इंटरलॉक करते हैं, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ज्यादा फाइन कंटेंट से वाटर डिमांड बढ़ जाती है ताकि डिजायर्ड वर्कबिलिटी मेंटेन की जा सके, जो वाटर सीमेंट रेशियो और कॉन्सिक्वेंटली कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकता है। फाइन मटेरियल्स का इफेक्ट सीमेंट पेस्ट रिक्वायरमेंट्स पर भी होता है, क्योंकि यह एग्रीगेट पार्टिकल्स को कोट करने के लिए ज्यादा पेस्ट डिमांड कर सकते हैं। इससे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज जैसे परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी इन्फ्लुएंस होती हैं। इन शॉर्ट, मटेरियल फाइनर देन 75 माइक्रोन टेस्ट जरूरी है ताकि एग्रीगेट्स स्पेसिफाइड ग्रेडेशन लिमिट्स को मीट कर सके और इससे कंक्रीट मिक्स डिजाइन को डिजायर्ड स्ट्रेंथ, वर्कबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सके। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये टेस्ट मेथड और टेस्ट सिग्निफिकेंस समझ आया होगा। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे और वीडियो फटाफट देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।